हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है प्रांशु सिंह। तो चलिए एक और नया ब्लॉग शुरू करते हैं। हम रिटर्न जा रहे हैं इंडिया 3 महीने के बाद। फाइनली गाइस, 3 महीने के बाद, इतना काम धाम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, मैं फाइनली इंडिया में वापस जा रहा हूँ। आउच, अटक गया मैं 2 मिनट। मेरे बाल थोड़े खराब लग रहे होंगे और थोड़ा फेस भी, क्योंकि मैं रात भर पैकिंग कर रहा था, सो नहीं पाया सही से क्योंकि सामान बहुत था। आधे से आधे तो फेंकना पड़ा क्योंकि ला नहीं पा रहा था। बट जो भी हुआ ठीक है, हम फाइनली जा पा रहे हैं इंडिया में। इंडिया में जाके इंडिया खाना खाऊंगा, मजे मजे। तो अभी मेरी 6:15 की ट्रेन है शिबुया से नरिता के लिए। यार अटक रहा हूँ मैं तो। ट्रेन लेने के बाद मैं नरिता टर्मिनल 2 पे जाऊंगा। वहां से आई गेस वहां से मुझे फ्लाइट लेनी है। मेरी फ्लाइट डिपार्चर टाइम है 9:15। तो मैं आपको मोस्टली मैं सब दिखाते रहूंगा, कवर करते रहूंगा जो जो मैं कर सकता हूँ। और मैं आपको मिलता हूँ अभी स्टेशन पे, क्योंकि ये बैग्स बहुत भारी भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा। लास्ट टाइम हम लोग फैमिली मार्ट आए एक लास्ट चीज लेने के लिए, उसका नाम है कैफे लाटे माउंट रेनियर का। इसका बिलिंग करते फटाफट और जाते हैं। तो गाइज, हमने चेक इन वेकिंग करा ली, मतलब बैग ट्रेन के लिए। अभी हमें अपना ट्रेन ढूंढना है आई गेस। अरे यार, मैं वो कैसे बताऊं, बहुत थक गया यार मैं, ये बैग बहुत भारी है। हम लोग आ गए नरिता स्टेशन पे, कार नंबर 4 है मेरा। हाँ, फाइनली इतना मेहनत के बाद मैं इधर पहुंच ही गया। अभी मैं कुछ टाइम में फ्लाइट में रहूंगा, उसके बाद हांगकांग में रहूंगा, फिर हांगकांग के बाद इंडिया में रहूंगा, फाइनली मुंबई में। चलो देखते गाइस और कितना टाइम लगता है। तो गाइस, फाइनली मेरी ट्रेन आने वाली है अभी 2 मिनट में। आई गेस आपको दिखाता हूँ ट्रेन कैसी लगी, आपको दिखाता हूँ ट्रेन कैसी दिखती है। बहुत ही स्टाइलिश होती है जापान की ट्रेन, सबको पता होगा। फाइनली आ गई गाइस ट्रेन। हम अंदर जाएंगे इसके। इधर आप अभी बैग रख देंगे फटाफट। हमने बैग रख दिया, अब सीट पे जाना है। होपफुली हम लोग को विंडो ही सीट मिली। ऐसा कुछ इधर का इंटरफेस। इधर हम अपनी कोल्ड ड्रिंक रख देंगे, मतलब जो भी कैफे लाटे। और हम अब निकल चुके हैं टोक्यो को छोड़ के, और बाय बाय टोक्यो। बहुत मजा आया टोक्यो में, बट अब फाइनली जाना पड़ेगा। पूरा सफर ये सो के निकालूंगा, नींद पूरी करूंगा। मैं आपको मिलता एयरपोर्ट पे सीधा। मैं पहुंच गया अपने टर्मिनल पे। अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे, फटाफट बोर्डिंग पास लूंगा, लगेज लूंगा, कस्टम्स वगैरह क्लियर करूंगा, फिर फ्लाइट लूंगा। क्रेजी चीज दिखाता हूँ, मैंने सेल्फ बोर्डिंग की। कंटिन्यू। मैंने सेल्फ बोर्डिंग कर ली पहली बार, और मैंने इसमें सीट चेंज की अपनी। इतनी क्रेजी सीट था ये तो यार। एक
एक ट्रैवलिंग ट्रिप दूंगा, सेल्फ बोर्डिंग निकालो भाई, टाइम सेविंग है और बहुत ही फटाफट काम हो जाएगा। मेरे को तो मजा आ गया, मैंने तो अपनी सीट भी चेंज कर ली, तो मैं अब होपफुली मैं कंफर्टेबल सीट पे बैठूंगा, क्योंकि मैं जब भी आया मैं कंफर्टेबल सीट पे बैठ के नहीं आया, मेरे हमेशा मेरी हाइट पर मेरे पैर अटक जाते थे। लेकिन अब देखते हैं, टेस्ट तो मैंने दे दिया, अभी कस्टम्स क्लियर हो जाए फिर उसके बाद सीधा हम अपने गेट नंबर जाएंगे। मेरा गेट नंबर है 75। सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन पे, कस्टम्स भी क्लियर हो गया और जितना सब था वो सब क्लियर हो गया। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब सब दुनिया भर के लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, हर एक कंट्री के लोग, तो देख के अच्छा लगता है कि यूनिटी है एयरपोर्ट पे। गाइस मैं आ गया सब क्लियर करके, अब बोर्डिंग गेट पर आराम से बैठा हूँ, फटाफट बोर्डिंग चालू हो जाएगी तो अपन निकलेंगे यहाँ से, जापान को टाटा बाय बाय करे। तो गाइस मैंने बोर्डिंग भी कर ली, मैंने सब कर लिया, अब मेरे को सिर्फ फ्लाइट में जाना है। असली मजा तो इधर है गाइस, फ्लाइट में सीट्स एडजस्टमेंट काम तो आई, मैंने सबसे आगे वाली सीट ले ली, तो मेरे यहाँ पे फाइनली पैर आ रहे हैं। ये मेरी पहली फ्लाइट है जिसमें मेरे पैर आ गए, तो हम अच्छे से सब चीज़ करके फ्लाइट में आ गए और अब हम उड़ने के लिए तैयार है। मेरी 9:15 को फ्लाइट डिपार्ट कर देगी और बस, तो अब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है गाइस, और मैं फाइनली निकल रहा हूँ मूवी देखते देखते। सो गाइस मेल आ गई और हम लोग आई गेस 1 घंटा 30 मिनट से उड़ रहे हैं, और 1 घंटा 30 मिनट बाद मेल आई हम लोग की पहली, क्योंकि इधर थोड़ा ऊपर एटमॉस्फेयर थोड़ा ख़राब था, तो उस वजह से फ्लाइट थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी। बट आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने चिकन मील ली है, इसके अंदर चिकन है मतलब, तो खोला खोला तक नहीं है। ओके चिकन मशरूम है ये, आई गेस अच्छा हो चिकन मशरूम एंड ऑल योगर्ट और फ्रूट्स बटर बटर ये सब, ओवरऑल अच्छी मील है और ऊपर पर मूवी चल रही है तो फिर सब कंफर्टेबल है, तो मैं खा लेता हूँ। गाइस आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आई होप आई बेट यू डिडंट नो दिस, मैंने कुछ नया देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ना मैं ऐसे ही देख रहा था वो सब चीज़ें, तो मैं कोई चीज़ देखी कि यहाँ पे कैमरा करके ऑप्शन है नीचे, मैं अगर उसको टैप करूँगा ना तो मेरे को फ्रंट व्यू दिख रहा है एयरप्लेन का, फ्रंट व्यू है एयरप्लेन का, मेरे को टॉप व्यू देखना है ना तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये एयरप्लेन का टॉप व्यू है, ये ऊपर से ही इस जगह है एयरप्लेन की। गाइस ग्राउंड स्पीड 813 किलोमीटर पर आवर, एल्टीट्यूड 11,587 मीटर्स, डिस्टेंस अभी 1685 किलोमीटर बाकी है। गाइस लिटरली ये देखो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, मेरे को कमेंट सेक्शन में पता था कि आपको ये चीज पता थी, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता थी, मतलब मैं एयर इंडिया से ज्यादातर आया गया हूँ, तो मेरे को भी ऐसा फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये सब नहीं था उसमें, बट मेरे को ये देख के बहुत मजा आया। तो गाइस हम लोगों ने डिपार्ट कर लिया, तो गाइस हम लोगों ने लैंड कर लिया और अभी मेरी अगली फ्लाइट है 6-7 घंटे बाद, तब तक मैं हांगकांग पे ही वेट करने वाला हूँ, आराम से रेस्ट करूँगा, थोड़ा सोऊंगा, क्योंकि फ्लाइट में तो सोया नहीं, मूवी देख रहा था, मस्त मस्त में 2 मूवी टेक डाली। अभी तो सब लोग लाइन में लगे हैं उतरने के लिए, अपने तो आराम से फ्लाइट है तो मैं आराम से उतरूँगा सबसे आखिर में। हम लोग फाइनली लैंड कर गए गाइस, बहुत थकावट हो गई 3-4 घंटे की फ्लाइट थी,
बट अभी चाइना में है और अब मैं चाइना में लॉन्च में कोई तो जाके बैठूंगा या तो कहीं तो बैठ जाऊंगा, 3-4 घंटे निकालूंगा, फिर उसके बाद वापस फ्लाइट ट्रांसफर वगैरह लूंगा। मेरी फ्लाइट अभी 8:20 की है, लास्ट वाली, देखते गाइस 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 ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे मतलब वो साइड जाने के लिए ना यहाँ पे रोड नहीं है तो इधर ट्रेन आती है आई गेस, नहीं यार कुछ और चीज़ है। गेट नंबर 43 आंटी, गेट नंबर 43। गेट नंबर क्या है? 43 आंटी, आगे आएगा इसी ट्रेन से आएगा ना। सो आई फाइनली गेट, सो हम लोग अभी जा रहे हैं 43 पे। यहाँ पे ट्रेन से जाना पड़ता है, मेरे को लगा था कि नॉर्मली कुछ रहेगा, बहुत ही अमेजिंग चीज है यार ये। फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम मेरे साथ कि मैं गेट से जा रहा हूँ अपने ट्रेन से, वो भी आओ 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 गाइस। हम लोग आ तो गए डिपार्ट, जहाँ से हमारी फ्लाइट डिपार्चर होगी, और वहाँ पे माउंटेन्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउंटेन्स इतने बड़े हैं, इतने सारे हैं, मतलब पूरा साइड माउंटेन से ही भरा हुआ है। आपको 5x पे दिखाता हूँ, ये देखो इवन बिल्डिंग्स भी कितनी छोटी लग रही है, हालांकि वो बिल्डिंग्स बहुत दूर है आई गेस, तब भी बिल्डिंग्स छोटी लग रही है, मतलब फर्स। तो हमने मुंबई की बोर्डिंग कर ली, सब हो चुका है, अब सिर्फ फ्लाइट में जाना है और दैट्स इट। थकने के बाद मैं सोया तक नहीं उतने टाइम से, 8 घंटे से सिर्फ यहाँ पे काम ही कर रहा हूँ, अभी सो जाऊँगा फ्लाइट में, 6 घंटे की फ्लाइट है। स्वीट ड्रीम्स गाइस, मुंबई में मिलता हूँ, मेरी आँख खुल नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मुंबई फाइनली, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। मेरी एजेंसी आ रही है मुझसे मिलने, बहुत मेरे को टाइम पता ही नहीं चला मेरा 6:30-5 जितना घंटा था वो कैसे बीत गया, क्योंकि मैं पूरा सोते हुए आया फ्लाइट। तो या एक्सपीरियंस अच्छा था फ्लाइट का, मैं अच्छा खाना मिला था, बिरयानी थी 3 लोगों ने, पेट भी अच्छे से भर गया था। फिर आजू बाजू में लोग भी सही बैठे थे, बट थोड़ा कंजस्टेड सीट्स थी, बट ठीक है जैसा भी था। अभी मुंबई आ चुका हूँ मैं फाइनली, और तो फिर ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। मिलता हूँ मैं आपसे, बाय।